सेवन क्लास सेवन का फेमस जीके क्लास सेवन का है। तो जीके क्लास सेवन में क्या है, फेमस ऑथर प्रसिद्ध लेखक लिखने वाले जो बुक लिखे हैं उनसे रिलेटेड है जीके सेवन क्लास सेवन जीके का चैप्टर सिक्स से है फेमस ऑथर। तो फेमस ऑथर में क्या है, एन ऑथर इज द ओरिजिनेटर ऑफ एनी रिटन बुक्स रिटन वर्क्स ईच सच एज ए बुक आर प्ले। एन ऑथर यानी कि एक लेखक, ओरिजिनेटर ओरिजिनल ओरिजिनेटर ओरिजिनल यानी वास्तव में क्या कर सकता है, एनी रिटन वर्क कोई भी लिखित कार्य कर सकता है सच एज बुक आर प्ले चाहे किताब हो या नाटक उस पर वो लिख सकता है। एंड इज दस आल्सो ए राइटर एंड और इज दस आल्सो ए राइटर इस प्रकार से वह क्या है लेखक। तो फिर इन दी ब्लैंक्स यूजिंग गिवन क्लॉज जो दिए गए उसको नीचे क्लॉज दिया उसको भरना है। तो पहले में क्या है, नेम द बिजनेस कंसल्टेंट एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन हु रोट द फेमस बुक यू कैन विन यू कैन विन यू कैन विन तुम जीत सकते हो बुक लिखे हैं। ये कौन है, शिव खेरा। तो लिखे हैं नेम द बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि बिजनेस का कंसल्ट करने वाले हैं एक्टिविस्ट में एक्टिविटी हमेशा लाते रहते हैं और पॉलिटिशियन भी पॉलिटिक्स भी करते हैं वो कौन है, शिव खेरा। तो पहले में यहाँ पर फिलअप कर लेंगे यस एच आई वी शिव खेरा के एच ई आर ए शिव खेरा। और दूसरा क्या है, विच फेमस ऑथर रोट द बुक वैरियर ऑफ लाइफ विच फेमस ऑथर कौन सा प्रसिद्ध ऑथर रोट द बुक को लिखा है वैरियर ऑफ द लाइट वैरियर ऑफ द लाइट लाइट का बहादुर योद्धा कौन लिखे हैं, पौले कोलहो पौले कोलहो पी ए यू इसमें भर लेंगे आगे फिलअप कर लेंगे पी ए यू एल ई पौले कोलहो कोलहो के सी ओ ए सी ओ ई एल एच ओ सी ओ ई कौ लहो यल एच ओ कौलहो कोलहो सी ओ ई एल एच ओ इस प्रकार से इसमें भर लेंगे पी ए यू एल ई सी ओ ई एल एच ओ इसमें भर लेंगे। और तीसरा कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ए बुक रिटन बाई माई एक्सपेरिमेंट इज ट्रूथ मेरा प्रयोग सत्य है मेरा प्रयोग मेरा एक्सपेरिमेंट सत्य की तरफ है इज ए बुक एक किताब रिटन बाई कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी। इस पे जो तीसरा है पॉइंट है ट्रूथ वाले में लिख दें इसमें फिलअप कर लेंगे एम ए एच ए टी एम ए महात्मा गांधी जी ए एन डी एच आई महात्मा गांधी इसमें भर लेंगे। और फोर वाले में कौन है, हु रोट द नावल द इंडिया आई लव हु रोट द नावल कौन सा नावल लिखा है द इंडिया आई लव इंडिया आई लव भारत इंडिया आई लव मैं प्रेम करता हूँ कौन लिखा है, रुस्किन बॉन्ड
तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा। और में है रुस्किन, आर यू एस के आई एन, रुस्किन बॉन्ड बी ओ एन डी, इसमें भर लीजिएगा। और फाइव में कौन है, ए बुक रिटन बाय कालिदास ईच, ए बुक एक किताब रिटन बाय कालिदास ईच, कालिदास ने लिखा है, उसका नाम क्या है। वैसे कालिदास तो बहुत बड़ी बड़ी किताब लिखे हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्या, अभी ज्ञान शाकुंतलम, अभी ज्ञान शाकुंतलम, ए बी एच आई जी वाई ए एन, अभी ज्ञान शाकुंतलम, एस एच ए के यू एन टी ए एल ए एम, तो इसमें भर लीजिएगा अभी ज्ञान शाकुंतलम। और सिक्स में क्या है, Who was the author of the book Hard Times? Who was the author of the book? कौन इस बुक का author है? Hard Times. Six है Hard Times. कौन है? Charles Dickens. तो इसमें भर लीजिएगा Charles Dickens. C H A R L E S, चार्ल्स डिकेंस, डी आई सी के ई एन एस, चार्ल्स डिकेंस। और सेवेंथ में है, नेम द हिस्टोरिकल फ्रिक्शन बुक बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कमेंट्री रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। कौन लिखा, क्या लिखा है, पॉलिटिकल कमेंट्री लिखा है, ऐतिहासिक फ्रिक्शन, यानी कि ऐतिहासिक इतिहास का पॉलिटिकल कमेंट्री लिखा है। क्या उसका नाम है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें फिलअप कर लीजिए, भर लीजिएगा, ए टेल टी ए एल ए टेल ऑफ ओ एफ ऑफ टू टी डब्ल्यू ओ टू सिटी सी आई टी आई ई एस, तो इसमें फिलअप कर लीजिएगा। और एक में कौन है, गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाई, गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, गीतांजलि पोएम्स का क्या है, कलेक्शन भंडार है, बहुत अधिक लिखे गए गीतांजलि में। रिटन बाय किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, गीतांजलि को लिखा है, उसमें कविताएं लिखी गई हैं, वो हैं, तो इसमें फिलअप कर लीजिए बॉक्स में, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर ए बी आई एन डी आर एन ए टी एच, रविन्द्रनाथ टैगोर टी ए जी ओ आर ए, इस बॉक्स में इसको भर लीजिएगा। और नाइन्थ में क्या है, नेम द आथर हु वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, बैंक में क्या के बैंकर थे, खर्च करने वाले बैंकर थे, क्या उनका नाम था, रतन भगत, इस बॉक्स में भर लीजिए इसको। आर चेतन भगत, इसमें फिलअप कर लीजिएगा, चेतन भगत। नाइन, नेम द आथर हु वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन लिखे थे, चेतन भगत, सी एच ई टी ए एन, चेतन भगत, बी एच ए जी ए टी, चेतन भगत। और टेन में क्या है, ए बुक रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखा है, उसका क्या नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बॉक्स में भर लीजिएगा, डी आई एस सी ओ वी ई आर वाई, डिस्कवरी ऑफ ओ एफ ऑफ इंडिया, आई एन डी आई ए इंडिया। और एलेवन में क्या है, सेज वेद व्यास रोड द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड,
व्हाट इज द नेम ऑफ द एपिक हीरो, यानी कि वेद व्यास ने बहुत बड़ा एपिक, सबसे बड़ा एपिक, विश्व में सबसे बड़ा एपिक लिखे हैं, वो कौन, उनका क्या नाम है, उस किताब का क्या नाम है, महाभारत। तो इस बॉक्स में उसको भले महाभारत MAHABHARAT महाभारत, और 12 में है हु रोट द फेमस इंडियन एपिक रामायण, फेमस इंडियन एपिक रामायण को किसने लिखा है, तो इस बॉक्स में फिलअप कर लीजिएगा, वाल्मीकि VALMIKI वाल्मीकि, वाल्मीकि ने लिखा है। और इसके बाद हु आर द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मैथ को किस लेखक ने लिखा है, हु आर द ऑथर ऑफ आनंद बुक, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मैथ, आनंद मैथ का बुक लिखने, आनंद मैथ बुक लिखने वाला कौन था, आनंद मैथ बुक लिखने वाले थे बैंकिम चंद्र चटर्जी। 13 है इसमें फिलअप कर लिया, BANKIM बैंकिम चंद्र, CHANDRA चंद्र चटर्जी, CHATTERJEE बैंकिम चंद्र चटर्जी। और 14 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, इस बुक का ऑथर कौन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का ऑथर कौन है, इसमें भले अरुंधति राय ARUNDHATI अरुंधति राय, RAY अरुंधति राय। इसके बाद लास्ट है हु हैज रिटन द फेमस बुक मिडनाइट चिल्ड्रन हु हैज रिटन द फेमस बुक, किसने फेमस बुक को लिखा था, क्या नाम उसका, मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा था, सोलमन रुश्दी। तो यहाँ पर फिलअप करिए SALMAN RUSHDIE RUSHDIE सैलमैन रुश्दी ने लिखा था। तो इस प्रकार से आपका 6th चैप्टर क्लास 7th का समाप्त हो गया।